Alright, so what is up, crazy people out there? This is Abhirup. Welcome to the vlog. I'm finally back with consistent videos. Hopefully, जल्दी से मतलब अभी फटाक से आ जाए वीडियो. थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया रहेगा कि कैसा रेस्क्यू होने वाला था. सिर्फ और सिर्फ हम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया. इस हफ्ते के अंदर बहुत सारे रेस्क्यूज किए गए थे, ऑलरेडी वीडियो शूट हो रही थी, तो एक फ्रेम वाइज हम लोग जाएंगे. पहले कुछ रेस्क्यूज चेक करेंगे फॉर श्योर. निखिल भाई के भी घर पर जाएंगे, बट उसके साथ साथ एक मेरे साथ हादसा भी हुआ है. वो वीडियो के जैसा मैं वीडियो शूट कर रहा था और वही टाइम पे एक बहुत डेंजर वाला हादसा हुआ है मेरे साथ, तो आगे जाके वीडियो में आपको समझेगा ही. तो जब तक ले वीडियो कंटिन्यू करते हैं, देखो मजे करो और एंड में मिलते हैं. प्लीज आप हाँ कितना बड़ा है अच्छा ऐसा लिफ्ट चालू करना पड़ेगा. करो चालू करो. गोना से गोना से गोना चलो चलो बाहर ले दो अन्ना चलो बाहर ले दो उधर मैदान में. भर ले दो इसमें. सबसे ज्यादा जहरीला सांप है. ठीक है हाँ इसको इंग्लिश मराठी में घोड़ास बोलते हैं. इंग्लिश में दे रसेल स्वाइपर बोलते हैं. बंगाली में बुरा आगे कुछ तो ऐसा ही बोलते हैं ना. हाँ चंद्र बुरा ऐसा कुछ तो नाम है. बराबर. अगर अभी सुनो ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो. इधर पे अभी समझो पे अपन काम कर रहे हैं कि नहीं. अभी काम कर रहे हैं. कभी किधर बैठ गया ये सांप किसी को काटा तो क्या करने का. क्या करोगे सांप काटेगा तो. समझो अभी कोई अपने साथ है भाई इसको सांप काटा तो क्या करोगे. बताओ तो क्या आप क्या करते हो गांव में. क्या करते बांध देता है ना. बांधता है काट देता है थोड़ा सा उधर पे है ना खून निकालते. तो ऐसा सब ना नहीं करने का. क्यों नहीं करने का. कभी कभार अपन बहुत जोर से बांध देता है ना तो इंसान का पैर सड़ जाएगा जहर के वजह से. वो इंसान ठीक तो हो जाएगा हॉस्पिटल लेने के बाद. फिर पैर ही नहीं रहेगा. पैर काटना पड़ेगा. तो फिर क्या करने का. इंसान को कभी भी सांप काटा ना उसका हाथ पैर एकदम अच्छे से जिधर काटा है उधर अच्छे से एकदम धो लेने का पानी से साफ पानी से. और फास्ट में इधर में शताब्दी हॉस्पिटल है. राजावाड़ी है शताब्दी है सायन है. कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाने का. ठीक है अभी तो एक ऐसा ना शांत होके बैठा है. ये उधर पे शिकार के लिए बैठा था. अरे उधर का भी सांप निकला ना. हाँ चलो इसको डाल देते अंदर. बस 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 ना
मैं आया मेरे घर पे और ये मेरी मम्मा कुछ तो कर रही थी और अभी आई और अभी अपनी कैमरा मैन बनी थी ऐसा कहते तिला ऐसा टाक तो घर में वर्ती मोटा है नहीं है शूज प्रॉपर वेयर All right guys, so यहाँ से आगे जो मेन वीडियो है वो शुरू होने वाली है बट एक ट्विस्ट है चीज़ के अंदर. सो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं कि मुझे कॉल कैसा है. मुझे बहुत सारे स्टोरी मेंशंस आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर लोग पिन कर रहे थे कि भाई निखिल भाई नीड्स योर हेल्प, निखिल भाई नीड्स योर हेल्प, वहाँ पर कुछ तो रेस्क्यू का सीन है, जल्दी से जल्दी पहुँचो. और जब तक मैंने वो स्टोरी या लोगों का रिस्पॉन्स देखा, फिर मैंने एक स्टोरी डाली. फिर उसके बाद हमारे एक फ्रेंड है मिहिर भाई, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करके दिया भाई से एंड अकॉर्डिंगली हम लोग रेस्क्यू पे गए. मैं मेरे जो डीजीआर ऑस्मो जो मिनी मेरा कैमरा है उससे शूट कर रहा था. हम लोग ने शूट वगैरह किया, हम लोग घर पे है, सब सीन शॉर्ट हो गया. दूसरे दिन हम लोग और कोई दूसरे काम के लिए गए और गलती से बहुत बड़ी गलती से वो जो कैमरा था वो हमसे घूम गया है और उसके अंदर का जो मेजर डाटा है ना वो चले गया. बट नो वरीज, अपने पास बहुत सारा डाटा है. और फिर उसके आगे वो काइट का क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अपन अभी देखते. एंड उस काइट को हम लोग ने बहुत सेफली रिलीज़ कर दिया था. वो काइट कैसी है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको आगे देखने को मिलेगा. सो यस, वीडियो कंटिन्यू करते हैं. सो दिस गाइस हैव कम. शुड आई स्विच ऑन द लाइट और या या प्लीज डू इट. ठीक है. सी दिस इज नॉट अ फुल एडल्ट. ओके. बहुत बार क्या होता है ना सर काइट्स के अंदर इनके बॉडी के ऊपर फेदर्स आ जाते हैं. हां हां. बट उन फेदर्स में उन विंग्स में वेट नहीं होता. ओह. ताकत नहीं रहती. बट एक सर्टन हाइट, एक सर्टन मेन ध्यान ये देना है कि वो नीचे ना गिर जाए, घर के अंदर ना आ जाए. घर के अंदर आएगा तो टेंशन नहीं है. वाओ, ओह माय गॉड, इट्स अ बिग वन. वाओ, सी सच अ ब्यूटीफुल बर्ड देयर इज. या ही इज अ जुवेनाइल. जुवेनाइल जैसा अगर आप इसके लेग देखोगे ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग इसे होना चाहिए. अच्छा. No, it won't hurt that bad. All right. Nice, na? Beautiful bird, na? Mm-hmm. Say hi to him. His name is Black Kite. Black Kite? Yeah, it's a common black kite. Okay. And ye feathers se aapko samajh aayega. Matlab ye to fully grown feathers nahi hai. Yahan yahan par these are very common in Pawai. Super common, super. Uh-huh. Time to lagega heal hone ko use. Acha, to uska left feather damage hai. Nahi hai. Nahi hai? Acha, kuch damage nahi hai. It's like उसका फेदर का वेट बहुत हो जाता है. So, जैसे ही हम लोग लोकेशन पे पहुंचे भाई के घर पे, बहुत हम्बली भाई ने हम लोग को वेलकम किया और वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे बिकॉज वो जो बर्ड था वहाँ पर अराउंड एक इवनिंग से मिड आफ्टरनून या लेटर आफ्टरनून से वहाँ पर था. एंड इट वॉज अराउंड 9 AM जब भी मैं वहाँ पर पहुँचा, सॉरी 9 PM मैं वहाँ पर पहुँचा. और उसके बाद इट वॉज ईजी, इट वॉज अ फ्लेचलिंग, मतलब एक चील का बच्चा था. तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो काइट्स रहते हैं ना इनके फेदर्स बड़े हो जाते हैं बट उनके अंदर उतनी ताकत नहीं आती. तो बेसिकली जो इतना बड़ा पंछी आपको दिख रहा है, जो काइट दिख रहा है, जो इंडियन ब्लैक काइट आपको दिख रहा है, वो एक सेमी एडल्ट भी नहीं बोल सकते, जुवेनाइल ही बच्चा है. उसको हम लोग फ्लेचलिंग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में. और थोड़ा सा खाना पीना देने के बाद, थोड़ा सा ताकत आने के बाद, वो जो बर्ड है वो उड़ना वापस से चालू कर देता है. सो वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने को आया और वो थक गया, उसको समझा नहीं, वो हाइट देख के थोड़ा डर गया.
बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि ऐसे जो बर्ड्स होते हैं जब भी अपने साइज में बड़े हो जाते हैं तो उनके मॉम डैड जो रहते हैं मतलब उनके पेरेंट्स जो रहते हैं उनको उनके घोंसले से धक्का दे देते हैं, मतलब गिरा देते हैं जस्ट टू मेक देम फ्लाई, उनको उड़ना सीखने के लिए। और ऐसी तरीके से नेचर एनिमल्स को इंडिपेंडेंट बनाता है। हर एक जानवर का अपने एनिमल्स को सेव करना है और उनको चीज़ें सिखाना कि जो प्रोसेस है वो अलग अलग रहती है। इंसानों जैसा हर एक जानवर अपने बच्चे को 18-19 साल तक या जन्म भर तक पालता नहीं है, इंडिपेंडेंट जल्दी बना देते हैं। सो या वैसे ही करके हम लोग पहुँचे रेस्क्यू के ऊपर। बहुत मज़ा आया भाई से मिले, फन लगा बहुत ज़्यादा। स्काई बहुत ज़्यादा 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 क्यूट है, एंड तक हमें बाय कर रही थी। आई विश कि वो सारी फुटेज मुझे वापस मिल जाए, अगर फॉर श्योर किसी को कैमरा मिल जाए तो प्लीज़ यार कैमरा रख लो, भले बस SD कार्ड दे दो, उसके अंदर बहुत फट्टे वाला डाटा था मेरा। सो या बट बहुत ज़्यादा फन हुआ, एंड काइट को हम लोग ने सेफली रेस्क्यू कर लिया और हम लोग उसको घर पे लेके आए, मतलब जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है अपना वहाँ पर लेके आए। और शी इज़ होल्डिंग गुड, शी इज़ डूइंग वेल, सो आगे जाके उसको रिलीज भी कर देते हैं। इसको फट्टे डिहाइड्रेशन, तो इसको अभी तक ठीक होने को थोड़ा सा टाइम जाएगा। ये अपनी वाली है जो ऑलमोस्ट फिट हो गई है, सो इसको हम लोग मे बी उड़ा पाएंगे। ये अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही आई है। खा, देख नीचे देख, गुड बॉय। जब नीचे गिरेगी मम्मी गाली देगी भाई मेरे को, ऐसा मत कर। जरा मैंने कहा आराम से कहा, ऑलराइट गाइस। तो आज अभी हम लोग इसको लेके आए हैं रिलीज करने को, लेट्स सी ये उड़ती है नहीं उड़ती है क्या होता है। होपफुली ये उड़ जाए बिकॉज ये प्रॉपरली फिट हो गई है जैसे मैंने बताया, बहुत प्यारी है। विल विश हर लक कि ये अपने आगे वाला जीवन बहुत अच्छी तरीके से उड़े और इंसानों के पास बिल्कुल ना आए। सो चलो लेट्स गो, है ना, उड़ेगा ना। ये देख जिस ले सब जगह देख, फ्लाइट के लिए जगह देख, अपनी फ्लाइट फ्लाइट के लिए टेक ऑफ के लिए रेडी हो गई है। तो 1 2 3 ऑल राइट गाइज। तो आज अभी हम लोग इस रस्से रैपर को भी रिलीज़ करने के लिए लेके आए जिसको मैंने एक कंस्ट्रक्शन एक वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन साइट से रेस्क्यू किया था। रस्से रैपर को अपन देखते हैं फटाक से और उसके बारे में कुछ जानकारी भी समझते हैं। तो इसको हम लोग ज़्यादा हैंडल नहीं करेंगे बट मैं चाहूँगा दर्श को भी तू ऊपर से उसको अच्छे से शोकेस करे। सो दिस इज़ द रसल्स वाइपर, मैं उससे एक बहुत सेफ डिस्टेंस की दूरी पर बैठा हूँ और मेरे पास एक शील्ड भी है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली रसल्स वाइपर जो है भारत में पाए जाने वाले 4 प्रमुख जहरीले सांपों में से एक है। इट्स कम अंडर द बिग 4 वेनमस स्नेक फाउंड इन ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया। इसके अंदर होता है हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम जो अपने ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा वेनमस है, अगर समझो किसी को इस सांप का बाइट हो जाए तो जल्द से जल्द आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है। एंटी स्नेक वेनम इज़ द ओनली मेडिसिन जो स्नेक बाइट के विक्टिम्स को हील कर सकती है। कोई भी बाबा गुनी ओझा गोरा के चक्कर में नहीं पड़ना है बाबा मंत्र तंत्र के। और या इसके वेनम अपने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज बहुत सारे हार्ट अटैक और TB जैसे जो डिजीजेस है उसके अंदर इस स्नेक का वेनम यूज़ किया जाता है, यानी कि हीमोटॉक्सिक वेनम यूज़ किया जाता है जो अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं। वो ब्लड क्लॉट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ इसका वेनम का कंटेंट अपने दवाइयों में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा हीमोटॉक्सिक वेनम ये अपने खून को पतला करता है और अगर इस स्नेक का किसी को बाइट हो जाए तो फटाक से वो जो जगह है जहाँ पर बाइट हो स्वेल अप हो जाती है, नाक कान मुंह जो भी एक्सटर्नल आउटलेट्स है वहाँ से खून निकलना चालू हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, पाइथन जैसे दिखता है बट पाइथन नहीं है। ये जो ये आवाज़ कर रहा है ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो कोई भी स्नेक अटैक करने से पहले वॉर्न करता है इंसानों को या कोई भी दूसरे जानवरों की मेरा प्रेजेंस यहाँ पर है या मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो
या फटाक से रिलीज करेंगे रसेल पेपर को, ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे उससे, ज़्यादा उससे स्ट्रेस आउट नहीं फील करने देंगे, तो देख सकते हैं। देख सकते हो बहुत ही बड़े साइज का रसेल पेपर है। अभी फिलहाल अपने मॉल्ट पे आया है, मतलब ये सब अभी जल्द से जल्द स्क्रीन सेट करेगा। तो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सांप ऐसे ही कॉइल करके नेचर में बैठा रहता है, और जब ये ऐसा नेचर में बैठता है तो किसी को समझता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से कैमोफ्लेज हो जाता है। तो अगर इसका मन हुआ तो ये आगे चले जाएगा, या फिर अंधेरा होने तक ये यहीं पर बैठेगा इसी तरह पता से एकदम शांति। तो इसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, हम भी यहाँ से चलते हैं और ब्लॉग आगे का एंड करते हैं। ठीक है, गाइस अपने पास एक आज इंडियन स्पेक्टेकल कोबरा का जुवेनाइल बेबी भी है, जो दर्श और अथर्वा ने रेस्क्यू किया गया था, और ये सीढ़ी LNT से रेस्क्यू किया था। तो ब्यूटीफुल जुवेनाइल कोबरा, उसे आप देख सकते हो, इसको भी हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रहने देंगे। और सॉरी, मैं कोई भी स्टंट नहीं कर रहा हूँ या कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चे को मैं इसको नॉर्मली रिलीज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे कोई भी स्नेक्स को हैंडल ना करे, इसके पीछे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों की पढ़ाई है। प्लीज़ आपको कभी भी सांप या कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ रस्ते में दिखे या आपको कहीं पर स्पॉट हुए तो उसको जाके अप्रोच ना करें प्लीज़। अगर वो इंजर्ड है, अगर उसको मदद की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया गया है हमारा, आप फटाक से ऊपर उसके ऊपर जाके कॉल कर सकते हो, अब तक हेल्प पहुँचेगी। पर प्लीज़ विदाउट एनी ट्रेनिंग और विदाउट एनी एजुकेशन कोई भी वाइल्ड एनिमल को अप्रोच ना करें। सो कोबरा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वेनमस स्नेक, बिग फोर वेनमस स्नेक के अंदर अभी आता है। इसके अंदर होता है न्यूरोटॉक्सिक वेनम, जो रसेल पेपर से बहुत अलग रहता है और ये अपने नर्वस सिस्टम पे काम करता है। बाकी सारे प्रोटोकॉल सेम है, अगर स्नेक का भी किसी को बाइट हो जाए तो जल्द से जल्द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, एंटी स्नेक वेनम लेना है, दैट इज़ द ओनली मेडिसिन विच कैन हील यू। तो या कोबरा को बाय बोलेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। बाय बाय। All right guys, so this was it for the video. I hope आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो। हम लोग थोड़े से ना व्यूज़ के मामले में थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं और आई नीड योर सपोर्ट गाइज, बहुत जेन्युइनली सपोर्ट चाहिए आप सभी लोग का। कंसिस्टेंट हो गया हूँ मैं ऑलमोस्ट, मतलब आप देख ही रहे हो पिछले दो वीडियो से, फटाफट जाके शेयर करो वीडियो गाइज। और अगर आप लोग ने अभी तक अपने को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो फटाक से जाके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करो, बिकॉज इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत डोप से कंटेंट आता है एंड आई रियली डोंट वॉन्ट यू गाइज टू मिस इट। तो फटाफट जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। अगर कोई भी एनिमल आपको परेशानी में दिखे तो नंबर भी दिया गया है मेरा, मतलब मेरे ऑफिस का ऑब्वियसली, ऐसा प्रैंक कॉल्स मत करना प्लीज़। और या कोई भी एनिमल दिक्कत में दिखे, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट देयर, उस एनिमल की हेल्प हो जाएगी फॉर श्योर। और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल दैट टाइम दिस इज अभिरू साइन आउट। Nothing can stop me, I'm all the way.